ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं और सभी की अपनी अपनी परंपरा है, मगर परंपरा के नाम पर ऐसा खेल खेला जाए जिसमें जान को खतरा हो। उत्तराखंड के चंपावत में परंपरा के नाम पर सालों से ऐसे ही एक खेल खेला जा रहा है जिसमें लोग पत्थर मारते हैं। इस खेल में लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। चंपावत के 12वीं धाम देवी दुरा देवी को खुश करने के लिए लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। इस खतरनाक खेल को बागवल कहा जाता है। ये खेल परंपरा अनुसार रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा पर होता है। 10 मिनट के इस खेल में 132 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि पत्थर मार खेल में लोग इसके बचने के लिए भी अलग अलग तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 132 लोग सिर्फ 10 मिनट के इस खेल में घायल हो गए हैं। भगवाली वीर हूँ और मैंने भगवाल खेली है। मुझे ये जो चोट लगी है ये माता का आशीर्वाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है कि मुझे चोट खा रखी है। मैं खुश हूँ और इस जो ये मुझे चोट लगी है ये प्रसादी के रूप में मुझे मिली हुई है। मेरा जो भी होगा माता रानी के दरबार में भला होगा। हमारे कैंप लगे हुए हैं और इसमें जो है 132 घायल थे और उन्हें हल्की फुल्की चोटें इस टाइप के लगे हुए हैं। उनकी पट्टी और उन्हें जिन्हें टिटनेस के इंजेक्शन की आवश्यकता थी उन्हें लगी हुई है। तीर्थार्थन करते हुए दर्शनार्थी यहाँ पर आए हुए थे, उनने अच्छी तरह से भगवान को देखा और भगवान के स्वरूप को भी देखा और भगवान के बारे में तो आज तक लोग नहीं देख पाए थे वो इस बार काफ़ी अच्छे से देख पाए हैं। और इस भगवान में हमारे दूर से उत्तराखंड से तो कई लोग आए हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए ये खेल खेला जाता है। हाईकोर्ट कि इस खेल पर रोक है, इसके बावजूद खेल में बदलाव कर लोग खेलते हैं और बीच बीच में पत्थर एक दूसरे को मारते हैं। परंपरा के नाम पर इस पत्थर मार खेल में 132 लोग घायल हुए हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।